तो आइए आज हमारे मनरामपुर पंचायत के मुखिया मुजीबुर रहमान से आपके वो सारे सवाल, वो सारे घिरे, वो सारे सूत्र आज हम इनसे पूछने जा रहे हैं। उसके अलावा अगर कोई सवाल छूट जाए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपका हक है। सवाल करने से पहले मैं मुखिया मुजीबुर रहमान को पूरे जनता की तरफ से, हमारे गांव की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं आपको कि आपने हमारे गांव में इस तरह का एक प्रोग्राम रखा जिसमें जनता आपसे रूबरू हो सके, आपसे बात कर सके, इसलिए हम आपका सभी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। उसके बाद हम पहला सवाल करते हैं जो हमें बार बार कमेंट्स बॉक्स में, दूसरे वीडियो में लोगों ने पूछा, वो है सबसे बड़ा मुद्दा कि पूरा एक साल बीत गया सर, लेकिन एक साल के अंदर अभी तक आपके गांव में लॉटरी से लेकर के जितनी भी बुराइयां हो रही हैं, चाहे गांजा हो, नशा भी, जितने भी नशावर चीजें हैं, लॉटरी से लेकर के सबसे बड़ा मुद्दा लॉटरी आपके गाँव में अभी तक क्यों चालू है सर? देखिए, जो ये है उसका बोलना काम है, विरोधी जो है जरूर बहुत घटा है, नशा मुक्ति बहुत कुछ हुआ, जब नशा खाने के बाद बहुत मार जोर हुआ। आज जो पर्व गया, इस पर्व में रास्ता में रह नहीं जाता, तो इसीलिए अभी का दौर में बहुत घट गया और घटाने का काम कर रहे हैं। हम जो बैठ गया ऐसी बात नहीं है, हमेशा हम बुलान हैं और जनता मेरे साथ है, जरूर हम जनता का साथ हैं और जनता का साथ लेके हम जरूर इसको निभाते रहेंगे और एक एक काम को हम इस गांव से एक ठोकर के सिद्धांत में लेंगे, दूसरा को फिर निकालते जाएंगे। सर, आप कह रहे हैं कि पहले से घट गया, जनता ये मांग कर रही है कि पूरी तरह से खत्म हो जाए, क्या खत्म हो जाएगी? एकदम खत्म हो जाएगी, नहीं तो चाहते हूँ लॉटरी जुआ कोई भी शराब जो पी रहा है हम खत्म करने का काम करेंगे, वादा करते हैं। आज जो है आपने पूरे मनरामपुर से ये कहा, आग्रह किया कि हमारे मनरामपुर के जितने लोग हैं वो हमारा साथ दें, इस टाइम का जनता से साथ चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि देखिए, इलेक्शन होता है, इलेक्शन का मतलब होता है ये वोट डालना और वोट देने के बाद अपना जीत हासिल होना, तो वैसे ही हम चाहते हैं जो आज भी वोट जैसे दे के जिताया, तो मैं भी चाहते हैं कि वैसे ही सही दिल से आप लोग साथ दें, हम हर बुराई को दूर करेंगे, हर बुराई को दूर करेंगे। आपने इलेक्शन से पहले ये भी कहा था, जनता से वादा किया था कि जो हमारा सबसे बड़ा जो ऐतिहासिक डिगी है, इसकी मछली जो है हम जनता को, पूरे गाँव के लोगों को हम खिलाएंगे, अभी तक नहीं खिलाए सर। मछली खिलाने का काम किया था, लेकिन दुर्भाग्य है ये पानी, गंदगी वाला पानी था, वो पानी घुसने के बाद मछली मर गया और वो मछली मर जाने के बाद मछली गांव वाला को खिलाने का लायक नहीं रहा। इतना कम मछली है जो पूरा बस्ती में हम जो ये करेंगे सोचे हैं, तो लेकिन नहीं पाएंगे, तो आबरी में हम सोच रहे हैं ये मछली जो है हल्का इसको बेच देंगे पूरे गांव को लेकर मिलकर, और ये पैसा जो आएगा और जो पैसा फिर मछली ढुकाएंगे बनने वाला मछली, और दोनों मछली होगा तो घर घर मछली हम पहुंचाने का सामने काम करेंगे। आप वादा करते हैं कि अगले साल पूरे गांव वालों को मछली खाने को मिलेगी? एकदम पूरा, एकदम वादा करते हैं। दूसरा सवाल यह है कि हमारे गांव के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, उनको ऊपर पाबंदी लगाने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? नहीं, ये पाबंदी लगा दिए हैं, ऐसी बात नहीं है, लगता है कि कहने से नहीं होगा। मैं जहाँ जहाँ कागज गिराने का काम था वो चला गया है, लगता है कि 10 रोज के अंदर में ये अपना प्रयास देखने मिलेगा जे हाँ क्या क्या किया। अच्छा, एक सर और सवाल है, जो हमारे गांव के आपके पंचायत के जो बच्चे हैं, वो जो खिलाड़ी बच्चे हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनकी मांग है कि बार बार वो मांग करते रहते हैं ये जो प्ले ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड का काम अच्छी तरह से कम होगा ताकि हमारे जो सुनहरे हमारे बच्चे के जो सुनहरा प्ले ग्राउंड का काम कर शुरू होगा। ये तो वर्षा पड़ गया है लेकिन काम हो चुके हैं, कागज कलम में सरकार का काम है, उस सब आगे बढ़ चुके हैं, सामने दिन इंशाल्लाह ये भी होगा, बरसात हो जाए। इसके अलावा भी जो भी अगर सवाल आपको छोड़ गया, कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रश्न अगर आपसे मुझसे नहीं हो सका, कुछ छोड़ गया, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उस कमेंट को पढ़कर फिर एक वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो मैं मुखिया जी तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा और फिर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो सर, लास्ट सवाल आपसे यही है कि आज तक जो है पूरा एक साल बीत गया है,
बार बार लोग से ये कह रहे हैं, आपको आरोप लगा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि लॉटरी तो बंद नहीं हुआ, उसका कारण क्या, आपने पैसा ले रखा है? ये सब झूठ बोल रहा है और झूठ बोल रहा है। और जो देखिए आदमी विरोधी तो है ही है, विरोधी जनता बोल रही है, आम जनता नहीं बोल रहा है, बोल रहा है जो मेरा विरोध कर रहा है यही लोग बोल रहा है। जनता अगर वैसा बोलता इतना बड़ा गांव का जनता आज मेरे यहाँ नहीं पहुंचता। हम तो क्लियर बोल दिया जो आगे भी कोई बोले अगर वैसा है तो फेस टू फेस बोले जी, दुकान में बात ना करें। और कुछ आपका लास्ट अपील कुछ गुजारिश है? नहीं, नहीं तो कहते हैं जो हर कदम उठाते जाएंगे, एक एक करके, एक साथ कोई भार नहीं होता है, लेकिन हर चीज को हम एक पर एक स्टाफ लेंगे और गांव को सुधार करने का काम करेंगे, ये वादा है। शुक्रिया से बात करने के लिए सर। चलिए अभी तक हमारे पंचायत के मुखिया मुजीबुर रहमान साहब हमारे साथ बात कर रहे थे और आपको इन सारे सवाल का जवाब दे रहे थे। अगर कोई भी सवाल हो, कोई कमेंट, कोई भी आपका शिकवा हो, कोई गिला हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, क्योंकि ये आपका हक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। उसके अलावा गांव में अगर कोई भी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम हो तो आप इनके सामने लाइए, वो प्रॉब्लम अगर ना सुलझाए तो फिर वो आवाज उठाए और हम आपकी दबी आवाज उठाने की हम पूरी तरीके से कोशिश रहेंगे, आपकी कोशिश करेंगे, बहुत अच्छी तरह से कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज पहुंचे। तो अभी तक आप दबी आवाज से आवाज सुन रहे थे, आपको आवाज अच्छी लगी तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें और हमारा हाउस बढ़ाएं। थैंक यू फॉर वीडियो।